हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर चरणजीत कौर एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है ज़ोंबी वायरस के बारे में। ज़ोंबी वायरस क्या होता है, ज़ोंबी वायरस किसे कहते हैं, ज़ोंबी वायरस से क्या हम ज़ोंबी बन जाएंगे, कहाँ से मिल गया ये ज़ोंबी वायरस, कितनी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, इन सब चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या ये कोविड से ख़तरनाक है, क्या ये कोविड के इक्विवेलेंट है, किस तरीके से हम किस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं अपने पैनिक से। हम बहुत चीज़ों से गुजरे हैं अभी पिछले कुछ टाइम पे पैंडमिक से, तो क्या ये पैंडमिक वापस आने वाला है, तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा प्लीज़। और हम शुरू कर रहे हैं ज़ोंबी वायरस के बारे में। गाइस, ज़ोंबी वायरस क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ज़ोंबी वायरस कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसकी वजह से आप ज़ोंबी बन जाएंगे पहली बार, जैसे हम मूवी में देखते हैं कि ज़ोंबी बन गया। तो ज़ोंबी वायरस का मतलब एक तरीके से हुआ जो अनडेड है, यानी कि ना वो जिंदा है ना वो मरा हुआ है, यानी अनडेड है, यानी किसी सर्टेन कंडीशंस में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के टाइम पर ये एक्टिव हो जाता है, राइट। किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ये एक्टिव हो जाता है, अदरवाइज ये इनएक्टिव है, तब हम उसे ज़ोंबी वायरस कह रहे हैं। तो ज़ोंबी वायरस कब आया, कैसे आया, ये आया ड्यू टू द थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट एज द ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग। जैसे हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हमारा लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से कुछ आइस जो हमेशा के लिए जमी हुई थी, उसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जो हमेशा के लिए जमी हुई है, इसी परमानेंट फ्रॉस्टिंग कह सकते हैं। तो वो जो परमानेंट फ्रॉस्ट है, परमानेंट आइस है, वो आइस आपका मेल्ट हो गया है। अब वो आइस अगर आपका मेल्ट हो गया, तो उसकी वजह से उस आइस के अंदर छुपी हुई हजारों लाखों करोड़ों ऐसे जीव जंतु जो कभी जिंदा थे, यूनिसेल्युलर थे, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, कुछ आर्की बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो सब जिंदा हो सकते हैं। तो कुछ फ्रेंच साइंटिस्ट ने काम किया है और काम करके देखा कि एक और आउटब्रेक आने वाला है, जिसमें इन्होंने देखा एक 48,500 ईयर्स पुराने ज़ोंबी वायरस को निकाला गया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये रिवाइव भी हो सकता है, जिंदा भी हो सकता है। रशिया के अंदर एक फ्रोजन लेक के अंदर ये छुपे हुए थे, दबे हुए थे काफ़ी नीचे, उसको निकाला है। तो देखिए क्या है ज़ोंबी वायरस। So any virus that is emerged due to the thawing of permafrost as the global temperature is rising, जैसे जैसे global temperature बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो आइस है वो पिघलती जा रही है, पिघलते जाने की वजह से जो वायरस है वो दबा हुआ है, वो बाहर निकल रहा है। तो वैसे ही 13 वायरस को खोजा है, उन 13 में से एक वायरस ऐसा है जो 48,500 years पुराना है, इतना पुराना वायरस है, ठीक है। नाउ इसको स्टडी में लिया गया है, ढूंढा गया है, ईच ऑफ विच पजेस्ट इट्स ओन जीनोम। ये 13 के 13 वायरस है, इनके पास अपना जीनोम प्रेजेंट है, ये साइंस अलर्ट ने रिपोर्ट किया है। ओल्डेस्ट वायरस जो है ना, उन 13 में से एक वायरस है जिसका नाम है पेंडोरा वायरस यीडुमा, जो सबसे पुराना, जिसे नाम दिया गया है पेंडोरा वायरस यीडुमा, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के नाम पर जिनका नाम था पेंडोरा। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, पेंडोरा कौन थे। देखिए ये ग्रीक माइथोलॉजी की ग्रीक आध्यात्मिक कहानी है, जिसमें ज्यूस एक देवताओं के राजा होते थे, और देवताओं के राजा ने प्रोमिथियस से, जो कि जिन्होंने इंसानों को बनाया, और उनसे बदला लेने के लिए, और जब इंसानों को बनाया तो और उसकी जो आग थी ना, देवताओं की जो फायर थी, आग थी, उनको चुरा लिया प्रोमिथियस ने, ही वॉज ऑल्सो अ गॉड। उनसे बदला लेने के लिए, टाइटन प्रोमिथियस से बदला लेने के लिए, जो देवताओं के देवता थे, ग्रीक देवता ज्यूस, उन्होंने पेंडोरा को बनाया। तो जो पेंडोरा थे ना, उनके पास एक बॉक्स हुआ करता था, वो बॉक्स में बहुत सारी मिस्ट्री वाली चीज़ें थी, रहस्यमयी चीज़ें थी, और उन रहस्यमयी चीज़ों का मकसद सिर्फ एक था कि इंसानों से बदला लेना है, या उस चीज़ों को नष्ट कर देना है जो इंसानों के लिए। अब इसको नाम पेंडोरा वायरस क्यों दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को, कहीं ना कहीं लोगों को ये डर है कि ये पूरी की पूरी मानव जाति के लिए खतरा है, इसलिए इसको पेंडोरा वायरस कहा गया। चलिए यहाँ तक तो आ जाते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, नाम कैसे आया।
48,500 ईयर्स पुराना है, जो कि एक रिकॉर्ड एज है फ्रोजन वायरस की, यानी अभी तक इससे पुराना कोई वायरस नहीं मिला है, ये सबसे पुराना मिला है, जो कि अब इस स्टेट में आ गया है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट भी कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ओल्डेस्ट है यानी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, सबसे पुराना जो वायरस सबसे पहले हमें मिला था, मतलब हमारी न्यूज में आया था, वो साइबेरिया में, वो भी रशिया में, उसी टीम ने 2013 में साइबेरिया में निकाला था, और वो था 30,000 ईयर पुराना, 30,000 साल पुराना वायरस, ये उसने उसका भी पुराना हो गया। पेंडोरा वायरस को कहाँ डिस्कवर किया गया? इसको डिस्कवर किया गया है एक येकुची अलास लेक में, येकुची अलास के अंदर एक लेक है येकुतिया रशिया के अंदर, और बाकी के जो वायरसेस हैं वो बाकी हर जगह मिले, मतलब ये वायरस आपको इस लेक, एक लेक के अंदर, इन येकुची अलास, इस लेक के अंदर रशिया के उसके बॉटम में मिला, और बाकी हर जगह मिले थे। कहाँ पर मिले? मैमथ के फर से लेके साइबेरियन वॉल्फ के इंटेस्टाइन के अंदर भी मिले, यानी कि ये बहुत ज्यादा आपके लिए खतरनाक बात है, हमारे लिए खतरनाक बात है। दूसरी बात, जो ये तो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर मिले, अब बात करते हैं कि व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ इट, क्या रीजन हो सकता है इसका कि ये हमें मिला, इतना पुराना मिला। तो ये समझिए, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, आपको पता है नॉर्थ पोल है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो आपको पता है कि वो पूरी तरीके से फ्रोजन फॉर्म में है, इसलिए हम उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। वन क्वार्टर जो इसका पार्ट है ना, वो पूरी तरीके से फ्रोजन है, लेकिन क्लाइमेट वार्मिंग की वजह से ये जो परमाफ्रॉस्ट है ना, ये इरिवर्सिबली थॉ हो रहा है, यानी कि इरिवर्सिबली मेल्ट होता जा रहा है, और जब ये यहाँ पर हमेशा अपने आप, मतलब वापस से फ्रीज नहीं हो रहा, मेल्ट ही हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिक मैटर फ्रीज हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर जब फ्यूज हो रहा था, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना मैटर था, यानी जब अर्थ बनी, जब से इसका अर्थ का इवोल्यूशन हुआ तब से लेकर सारी चीज़ें बर्फ में दबी हुई थी, हर वो चीज़ बाहर निकलेगी। अब वो चीज़ जो दबी हुई थी वो डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनाएगी। जब वो डिकम्पोज होगी, क्योंकि आइस में तो वो थी वैसे ही, जब वो डिकम्पोज होगी बाहर आके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन बनाएगी, जो कि अगेन ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देगा। ये ग्रीन हाउस गैसेस है। इसी ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट ये भी था, जो रिवाइव्ड सेलुलर माइक्रोब्स है, यानी कि प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इसके अलावा वायरसेस, जो कि प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से डॉर्मेंट थे, यानी कि बिल्कुल ही शिथिल थे, किसी काम को नहीं कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल हैं? तो भाई 13 वायरस मिले हैं, सारे के सारे जो जोम्बी वायरसेस हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शियस हैं, और जो इन्फेक्शियस होता है वायरस, उसका एक पर्टिकुलर होस्ट होता है। अब उसका होस्ट तो पता नहीं है, लेकिन हाँ वो हेल्थ डेंजर हो सकते हैं, आगे जाके हमें पता लगेगा। तो क्या इसके पहले कोई ऐसा केस था? जी बिल्कुल, ये पहला केस नहीं था। जैसे मैंने अभी बताया, 2013 में सेम टीम ने साइबेरिया में एक वायरस को खोज निकाला था। कौन सा वो वायरस था? 2016 में एक वायरस का नाम हमने सुना था, एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स जो साइबेरिया में हुआ था, जिसने दर्जनों डेथ कर दी थी, हजारों लोगों की, मतलब बहुत लोगों की जान ले ली थी, बच्चों की डेथ हो गई थी, लोग, हजारों लोग, दर्जनों लोग, बेसिकली नॉट हजारों, वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। उस केस में भी ऑफिशियल का कहना था कि वो एक हीट वेव की वजह से शुरू हुआ, एक हीट वेव ने परमाफ्रॉस्ट को थॉ कर दिया, थॉ जहां पर भी आएगा इसका मतलब है मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने की वजह से क्या हुआ, एक रेंडियर कैरकेस आउट हो गया। रेंडियर का एक शव, रेंडियर एक तरीके के जानवर होते थे, तो वो रेंडियर बाहर निकल गया, बाहर निकला तो उसकी वजह से उसके अंदर जो वायरस था एंथ्रेक्स, वो बाहर आ गया, उसने फिर बाकी लोगों को इन्फेक्ट करा। सो इट हैज बीन अ केस। तो क्या अब हमें पैनिक हो जाना चाहिए? अब हम क्या करें, अब हम परेशान हो जाए? नहीं, अभी तक ऐसा कोई हार्म रिसर्चर को नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो भी वायरस अभी आप स्ट्रेन स्टडी कर रहे हैं, ये मेनली अभी तक सिर्फ अमीबा माइक्रोब को इन्फेक्ट कर रहे हैं और किसी को नहीं। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक प्रोटिस्ट किंगडम का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है,
यानी कि जिसमें केवल एक सेल होती है, वो ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अमीबा को ये इन्फेक्ट करता है तो अभी तक हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अगेन वही है कि क्या ये जोम्बी वायरस है, क्यों ये डेंजरस है, क्यों इसको किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये नॉलेज समझ में आई है और आप इससे रिलेटेड कुछ और बातें जानना चाहते हैं, लाइक अमीबा के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, एंथ्रेक्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माई वीडियो। शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।